हम चलेंगे मनोरोग विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर ईरा त्रिपाठी जी हैं। ईरा जी, हम एक साइकोलॉजिकल बात करना चाहते हैं। साइकोलॉजिकल बात ये होती है मानसिकता को कैसे आप समझें, क्योंकि जब हम जाते हैं तो जैसे स्कूलों में इंटरव्यू होता है, कई स्कूलों में पेरेंट्स तक के इंटरव्यू होते हैं कि वो एक इंटरव्यू सेशन चलाते हैं कि बच्चे को एडमिशन लेने से पहले, प्राइवेट स्कूल खासतौर से ये करते हैं कि देखें पहले पेरेंट्स इनके पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, इनका बच्चा जो है वो क्लासरूम में हमारे स्कूल में फिट हो पा रहा है कि नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो किस मानसिकता के साथ आपको स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहिए और कैसे समझें कि क्या कुछ मामला गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि ये तो चलिए चीज़ जो हाथरस में हुई ये तो हॉस्टल के अंदर बच्चा था, लेकिन कई बार होता है घर से बच्चे जाते हैं उनके साथ इस तरह के कांड हो जाते हैं, तो मानसिकता को कैसे कैप्चर किया जाए? देखिए, मैं इस पूरे वाक्य को एक दूसरे नजरिए से देखती हूँ कि जो कुप्रथा है, इस तरह की अंधविश्वास की जो सामाजिक कुप्रथा है वो बहुत ही पुराने समय से चलती चली आ रही है, जैसे जादू टोना तंत्र मंत्र ये सभी तरह, और ये कहने में जरा सा भी झिझक नहीं होना चाहिए कि हम सभी इनसे ग्रसित हैं, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी या ये इस समय पे निकलो, ये समय पे कार होना चाहिए, तो हम सभी इन सब से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये बड़े रूप में सामने होता है तो हमारी मानसिकता को खराब करने लग जाता है। ऐसे में आप ये देखिए कि जैसे उन्होंने बताया कि पैसा ज्यादा बढ़ाने के लिए व्यापार की दृष्टि से हम किसी का खून थोड़ी ना कर सकते, किसी बच्चे का कत्ल थोड़ी ना करा जा सकता, मर्डर नहीं किया जा सकता, मानसिकता के साथ ही ये किया जा सकता है, यानी खराब मेंटल हेल्थ के साथ ही ये काम किया जा सकता है। अब हम कैसे पहचाने कि हम जहाँ बच्चे को लेके जा रहे हैं वहाँ का टीचर या प्रिंसिपल की क्या मानसिक स्थिति होनी चाहिए? तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार इस पे भी ध्यान दे, जैसे आज कल स्कूल में साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर रखे जाते हैं बच्चे मेंटल हेल्थ देखने के लिए, उसी तरीके से जब भी कोई शिक्षक वहां पे अपना एडमिशन लेता है तो उसका भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक जांच होनी चाहिए और समय समय पे होना चाहिए, और समय समय पे भी होना चाहिए समय, क्योंकि वो किस परिवार से आता है, क्योंकि